आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन। बता दें, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस के छात्र छात्राओं ने परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज के चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें बधाई दी। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस के छात्र छात्राओं के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें गिरदा स्थित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के छात्र छात्राओं का उच्च प्रदर्शन रहा। बता दें, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रथम सेमेस्टर में प्रथम स्थान पर 74.2% अंकों के साथ हररूप कौर रही, द्वितीय स्थान पर पूनम भास्कर 68% अंकों के साथ एवं तृतीय स्थान पर अंशिका चौहान 67.4% अंकों के साथ रही। वहीं छात्र छात्राओं की शानदार उपलब्धि पर संस्थान के चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा, सचिव शिवानी मेहरोत्रा, एकेडमिक डायरेक्टर मनोज मिश्रा, रजिस्ट्रार सतीश कांडपाल, इंस्टीट्यूशन हेड प्रतिमा सिंह एवं समस्त प्रवक्ताओं ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। आइए अब नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। महाराजा अग्रसेन पार्क में संपन्न हुआ नवीनीकरण का कार्य। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा हुआ होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर नगर एवं पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। 6 नशा तस्करों को काशीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 अभियुक्त को टांडा उज्जैन पुलिस ने किया गिरफ्तार। केवीआर हॉस्पिटल में हुआ फायर मॉक ड्रिल का आयोजन। काशीपुर पुलिस ने 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। चंद्रावती महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया मतदाता जागरूकता अभियान। काशीपुर में मोहल्ला क्लिनिक को किया सील। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के आवास विकास स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में लगी महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर आगामी त्योहारों को देखते हुए पुनः रंगने एवं नवीनीकरण का कार्य अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। एक रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा होली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों अग्रवाल समाज की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि होली सिर्फ रंगों का ही नहीं, खुशियों का भी त्यौहार है और इस त्यौहार को मनाने के लिए आज अग्रवाल समाज की महिलाएं एकत्रित हुई हैं। दिल से देवता दर्शन को तरसे गग मैं निकला ओ गति लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं काशीपुर का नगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जगह लगी फ्लेक्सियों और राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टरों को हटाने के साथ नगर की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए काशीपुर सिटी SP अभय प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि लोकसभा चुनावों को सही व सुचारू रूप से कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है और सुरक्षा को देखते हुए 2 बटालियन SSB के जवानों को लगाया गया है। अगर आचार संहिता के चलते कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव जिस दिन से उसका कार्यक्रम बननी आयोग ने घोषित किया है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए इसके नोडल हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन और साथ ही जो ARO हैं, जितनी भी विधानसभा हैं हमारे जनपद में, उसके ARO मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता को पालन करवाने के लिए उत्तरदायी हैं। ARO के निर्देशों के क्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत इसमें जानकारी आपको ARO से मिल सकती है। जहां पर भी 24 घंटे में हमारा अपना कार्यालय परिसर है, यहां से हम पूरी तरीके से होर्डिंग, पॉम्पलेट्स या ऐसी कोई भी चुनाव सामग्री जो आपत्तिजनक है उसको हटा दिए हैं और कार्यालयों में
क्या स्थिति है इसके संबंध में यारो साहब से विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। सार्वजनिक स्थलों पर भी जिस तरीके से हमारे यारो साहब के द्वारा जो निर्देश हमारे अधीनस्थों को दिए गए उन्होंने कार्रवाई की। सामान्य लोकसभा निर्वाचन लोकसभा का उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए आदेश निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा मुख्यालय द्वारा भी समय समय पर चुनाव से संबंधित आदेश निर्देश मिले हैं, जिसके संबंध में हमारी पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ बहुस्तरीय की जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स हैं उसको हमारे द्वारा एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा जो हमने एक लिस्टिंग की है शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई है उसको हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। साथ ही जिन लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस है, जो शस्त्र आवंटी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने असलहे को जमा करा दें और उसकी समय से रसीद हमारे थाने चौक में कर दें, सबमिट कर दें। इसके अतिरिक्त चूंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, इसमें किसी भी तरीके का कोई अगर गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा या उसमें शांति को चुनौती देने का प्रयास किया जाएगा तो हमारे द्वारा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें मतदान में भाग लें और जो लोकसभा निर्वाचन सामान्य 2024 का है इसको सफल बनाएं। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा 5 अलग अलग स्थान से 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ईदगाह गेट के पास से सुरेंद्र कुमार पुत्र दीवान चंद निवासी मोहल्ला सिंघान, जगतपुर गुरुद्वारे के पास से बलविंदर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी जगतपुर कुंडेश्वरी, राजकीय प्राइमरी विद्यालय रामनगर रोड के पास से जगदीश सिंह रावत पुत्र किशन सिंह रावत, रेलवे कॉलोनी के रास्ते से ललता प्रसाद पुत्र गंगाराम, राजपुताना कॉलेज वाली सड़क से गुरमीत सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र ईश्वर सिंह तथा गुरमीत सिंह पुत्र कार सिंह निवासी पीरू मदारा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लोग पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत टांडा उज्जैन क्षेत्र से अभियुक्त शमशेर पुत्र शमसुद्दीन निवासी काली बस्ती हजरत नगर मासवड़ान को काशीपुर टांडा उज्जैन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। फायर सर्विस मुख्यालय में मुख्य अग्निशमन अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश अनुसार प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर गोविंद राम द्वारा केवीआर हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड में जन जागरूकता मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर द्वारा अस्पताल स्टाफ व उपस्थित जन समूह को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आग लगने की स्थिति में अस्पताल में लगे हाइड्रेंट का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 3 MVW एक्ट वारंटी को काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लोग पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत चुनाव का पर्व देश का गर्व के बैनर तले प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत के निर्देश एवं कैंपस एम्बेसडर डॉक्टर रंजन के संयोजन में महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा मोहल्ला कटरामालियान एवं चैती चौराहे पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों से आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 में अधिक से अधिक भागीदारी करने एवं मत देने के लिए प्रेरित किया गया।
काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी। आपको बता दें काशीपुर में लगातार मोहल्ले में अवैध रूप से चलाए जा रहे क्लिनिकों पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लक्ष्मीपुर पट्टी में गलत तरीके से चल रहे दिल्ली होम्यो क्लिनिक की लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप जिला अधिकारी को शिकायतें मिलने के बाद आज नगर चिकित्सा विभाग के द्वारा कार्रवाई को अमल में लाते हुए क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई। लगभग पहले जो है शिकायत प्राप्त की गई थी मोहल्ले वासियों द्वारा की गई थी कि यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं जो कि दिल्ली होम्यो क्लिनिक में बैठते हैं और वो कुछ औषधि कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं जिससे कि पित्ते की पथरी निकल जाती है। इस तरीके का कह के जो है इलाज कर रहे हैं, जबकि अभी हमारे पास हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों ने इलाज भी लिया, किसी की पथरी नहीं निकली है, तो कृपया करके इसका निरीक्षण किया जाए। तो इसकी लेटर जो है एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी, एक हमारे लिए डीएम साहब के लिए, सीएमओ साहब के लिए और एसडीएम साहब को चिट्ठी भेजी गई है, जिस पर कि आज कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई से ये पता चला है कि इन्होंने जो डिग्री कर रखी है वो बीईएमएस डिग्री है, इसका मतलब हुआ बैचलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें ना ही हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको रजिस्टर कर सकती है, ना ही हमारे जिलाधिकारी वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इनके पास ना सीईए का रजिस्ट्रेशन है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की कोई एनओसी इनके पास नहीं है और इसमें जो कूड़ा निस्तारण का होता है वो भी इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए जो है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आज ये दुकान सील की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।